नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं शिवम यादव। लखनऊ में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका पूरा इस्तेमाल ढंग से नहीं हो पा रहा है और जमकर लूटपाट हो रही है। पात्रों को आवास न देकर उन्हें दर दर भटकाया जा रहा है। गोसाईगंज का मामला है, जहां पर लाभार्थियों का नाम सूची से गायब करके अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। लाभार्थी आवास पाने के लिए आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी गरीब तबके के लाभार्थियों को आवास देने की जगह अमीरों को घर बांटते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गोसाईगंज के सूर्यामऊ गाँव की रहने वाली जो लोग हैं, उनका नाम पात्रता श्रेणी में नहीं आया है। ब्लॉक के अधिकारियों ने सूची से नाम गायब करते हुए अपात्र घोषित उनको कर दिया और लाभार्थियों को जानकारी हुई तो लाभार्थियों ने तहसील दिवस से लेकर ज़िले के मुखिया जिलाधिकारी तक को शिकायती पत्र लिखे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत दिक्कत हमारे लिए, कोई दिक्कत प्रधान से कहो और सब कुछ कहीं तुम्हारा कॉलोनी बन जाएगी, किसी सुनवाई नहीं करता है। और नेट पर कॉलोनी आ चुकी, फिर भी नहीं बनी हमारी। बरसात के दिन में साहब की अपन लड़का छप्पर तैयार है, तिरपाल उतारने चटिया लगाए थे, कहाँ तक लड़का लड़की साथ साथ बिटिया हमारे। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर, ब्लाकों में अप्लीकेशन दे चुके हैं, प्रधानों से कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए भले ही देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई हो, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है, जिससे वो जर्जर या फिर गिरे हुए भवनों में रहने के लिए मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी के गोसाईगंज ब्लॉक के सूर्यामऊ गाँव में। यहाँ पर तमाम ऐसे लाभार्थी हैं जिनको आवास नहीं मिला है और वो गिरे हुए भवनों में या फिर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में वो लोग मौजूद हैं जो खुले हुए आसमान के नीचे रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, उसके बावजूद अब तक इनको आवास नहीं मिला। हम इनसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर बेचा लाल है। आवास मिला? नहीं मिला। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं हमको आवास से? बिना इतनी दिक्कत सर कि बरसात में भीगते हैं और धूप में जलते हैं। किसी अधिकारी से बात करो तो कहते आश्वासन देते कि हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ ना हुआ है। और 55 साल की उम्र हो गई सर, अभी तक कोई आवास। क्या क्या दिक्कतें हैं सर? बहुत दिक्कतें हैं सर, अब छोटे छोटे बच्चे हैं इधर उधर लेकर भागते हैं, न मकान है न कुछ। कम से कम अधिकारी क्या सुनवाई कर रहे हैं साहब? 10 साल से चक्कर काट रहे हैं, मगर कह रहे हैं बन जाएगा। हम कई प्यारा उनसे कह चुके हैं। बिल्कुल, अधिकारी कोई सुनवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सुनवाई नहीं सर कर रहे हैं। आप लोग ऐसे रह रहे हैं? ऐसे ही रह रहे हैं। क्या कुछ दिक्कतें हो रही है जी? हमारे पास में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे हमारा कच्चा मकान है और हम लोग रहने के लिए तड़प रहे हैं। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मरला देवी। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? अरे साहब, बहुत तकलीफ है, क्या करे। प्रधान लगे जाओ, प्रधान पहले बताता है, घोसा बताता है, जो पहले आप पैसा दीजिए तब आपको कॉलोनी बम्बा देंगे। हाँ, बम्बा देंगे, कॉलोनी बम्बा देंगे। 2 किलो 10 किलोमीटर जाते हैं पानी भर के बच्चे लेके। क्या कहते हैं, कमीशन देंगे तब हम लोग? हाँ, कमीशन देंगे, आप पहले घुस दीजिए 30,000 रुपया तब आपको निकाल के देंगे। कैसे रह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये हमारे साथ तमाम यहाँ के गांव की महिलाएं थी और लोग थे, जिनका कहना है कि लगातार हम लोग अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी हम लोगों को आवास नहीं दे रहे हैं। वहीं लोगों ने बताया कि कमीशन खोरी के चक्कर में अधिकारी हम लोगों का पात्रता सूची से नाम हटा रहे हैं। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि प्रधानमंत्री का जो एक सपना था कि हर गरीब को छत मुहैया कराई जाएगी, आखिर वो कैसे पूरा होगा। लाइव टुडे से अभिषेक कुमार यादव।